पीजी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने से एनएसयूआई के छात्रों ने खरगोन पीजी कॉलेज में कॉलेज प्रबंधन और शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। पीजी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने से एनएसयूआई ने खरगोन पीजी कॉलेज में छात्रों के साथ प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल आरएस देवड़ा के नहीं मिलने पर विद्यार्थियों ने धरना देकर विरोध जताया है। एनएसयूआई ने प्राचार्य आरएस देवड़ा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्राचार्य कक्ष के सामने धरने पर बैठ गए। प्राचार्य के नहीं आने के बाद छात्रों ने कॉलेज का चैनल गेट बंद कर दिया। प्राचार्य के निवेदन के बाद एनएसयूआई छात्र संगठन बैठकर बात करने को तैयार हुए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बच्चों के एडमिशन के संदर्भ में सभी लोग चिंतित हैं। इस संबंध में 24 तारीख को महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की बैठक आयोजित हुई। उस बैठक में डिटेल ली गई, कलेक्टर साहब ने, विधायक जी ने, मंत्री जी से बात की, कलेक्टर साहब ने कमिश्नर से बात की और उसका डिटेल लिया। और ये चर्चा थी कि बच्चों के एडमिशन जो भी प्राचार्य या जनभागीदारी समिति के क्षेत्राधिकार में हैं उस संबंध में बढ़ाया जाए, सीटें बढ़ाई जाए। ऐसा तो गत वर्ष के समान जो है इस बार सिस्टम नहीं, थोड़ा सा चेंज है। उस चेंज में जो पोर्टल वाला और मेरिट लिस्ट का है, जो थर्ड चरण में ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई, जो वैकेंट सीट्स है उसके हिसाब से मेरिट जारी हो गई। और ऐसी स्थिति में अब लास्ट उसमें सीट बढ़ाने के बारे में पोर्टल की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। तो इस संबंध में जनभागीदारी समिति में चर्चा हुई, हमने चर्चा की, बच्चे आज भी आए हैं, ये इनका जो है। ऐसी स्थिति में अभी बच्चों के आपके सामने भी बात हुई, मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई वहाँ, और यहाँ सब मिला करके जो 25% अधिकार दिया है वो उसके बारे में अनुमोदन वहीं से लेना रहता है। तो अनुमोदन के लिए पत्र लिखे। बच्चे आज बहुत नाराज भी हुए, नारेबाजी भी करी। बच्चों का अपना आक्रोश है, उनका एडमिशन उनको चाहिए, लेकिन जो यहाँ एडमिशन दिए हैं वो शुद्ध मेरिट के बेस पे दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो नियम कायदे से हम लोग बंधे हुए हैं, नियमानुसार सारी कार्रवाई की गई है। और इस बार तो और ज़्यादा सीटों में वृद्धि हुई है। 10% जो कमज़ोर आर्थिक वर्ग वाला है उसका भी शासन ने बढ़ाई है। उसके बाद ये है, पर यह है कि हम लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जब तक हमको भोपाल से और परमिशन नहीं मिलती है कि पोर्टल क्या कहेगा। अभी हम बच्चों को बता दें कि ये इतने % बढ़ जाएगी, लेकिन पोर्टल ने स्वीकृति नहीं दी तो फिर यही बच्चे क्या क्या उनको जवाब, उनके लिए जवाब ही नहीं है। इसलिए कलेक्टर साहब, विधायक जी भोपाल में हैं आज और वो ये प्रयास कर रहे हैं। ये महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के प्रवेश के लिए मांगे, जो छात्र छात्राएं कॉलेज में प्रवेश से वंचित रह गए हैं, शासन द्वारा आदेश है कि 25% सीटें वृद्धि की जाए, लेकिन कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी करके सीटें वृद्धि बनाने में असमर्थ रह रहा है, संसाधनों की कमी बता रहा है। जबकि यहाँ पर अधिकतर जो कोर्सेस है जनभागीदारी से चलते हैं, जिसमें छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और उन्हीं छात्रों को आज एडमिशन लेने से मना किया जा रहा है। इसी के खिलाफ